नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आज दोबारा। आप देख रहे हैं जो वक्त हो गया है खबरों की खबर का। भारत सरकार ने नवंबर महीने तक देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया हुआ है। 2020 में कोरोना की पहली लहर के समय में ही यह ऐलान हो गया था, यानी पिछले साल से ही सरकार देश के गरीबों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवा रही है। हालांकि कितने गरीबों तक यह सुविधा पहुंच रही है यह अलग शोध का विषय भी है, क्योंकि अभी भी भुखमरी की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले महीने अलीगढ़ में एक परिवार भूख से मृत्यु के करीब पहुंच गया था। फिलहाल सरकार ने गरीबों के लिए इतनी बड़ी योजना लेकर आई है तो उसका स्वागत तो होना चाहिए, पर यह भी पता लगाना चाहिए कि देश की आबादी के 73 साल बाद भी ऐसी नौबत क्यों आई कि सरकार को देश के 80 करोड़ लोगों के लिए दो वक्त की रोटी का अभी भी जुगाड़ करना पड़ रहा है। क्या 7 दशक में भी देश की सरकारें यहाँ की जनता को इतना आत्मनिर्भर नहीं बना पाई है कि वह खुद अपने बलबूते पर अपना पेट पाल सके? यह सही है कि कोरोना काल में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कम आय वालों का बहुत बुरा हाल हुआ है, पर देश की 80 करोड़ जनता का मतलब होता है कि देश की 75% जनता भूख से बेहाल है। यह भी सही है कि भारत प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में अपने पड़ोसियों पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों से पहले से ही बहुत पीछे रहा है, पर उदारीकरण के बाद इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2019 के अनुसार 2006 से 2016 के बीच पावर्टी एलिवेशन की गति इतनी तेज रही है कि 27 करोड़ 10 लाख के करीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है। हालांकि भारत में 2011 के बाद गरीबी का पता लगाने वाला कोई प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुआ है, पर सरकार 80 करोड़ लोगों के लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करके खुद स्वीकार कर रही है कि देश भुखमरी की जंजाल में है। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशंस की UNSDG रैंकिंग में भी भारत भूटान नेपाल और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे हो गया है। सरकार का सर्वे खुद कुपोषण की बात स्वीकार करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि देश में कुपोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी की शिकायत से लगातार जूझ रही हैं। इस एनीमिया की वजह से बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। 22 राज्यों में किए गए इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुपोषण की वजह से 13 राज्यों के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई सामान्य से कम है। वहीं 12 राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उनकी लंबाई के हिसाब से वजन कम है। 2015 के बाद भूख से अब तक 100 लोगों की मौत हुई है। पिछले साल ही हंगर वॉच की एक रिपोर्ट आई थी। देश के 11 राज्यों में सर्वेक्षण के बाद राइट टू फूड कैंपेन ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें दावा किया गया कि 2015 के बाद से अब तक यानी 2020 तक भूख से कम कुल 100 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसी सर्वे में दावा किया गया था कि कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के समय में कई परिवारों को कई रात भूखे रहकर भी गुजारा करनी पड़ी थी। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27% थी। वहीं इसी सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि इस दौरान लगभग 71% लोगों के भोजन में पौष्टिकता की कमी भी देखी गई थी। यहां तक कि 45% लोगों को अपने खाने के इंतजाम के लिए कर्ज भी लेना पड़ा था। कर्ज लेने वाले लोगों में दलितों की संख्या सामान्य जातियों से 23% अधिक थी। अब आप सोचिए कि हम किस देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और किसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उस देश को जहां किसी गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में लगभग 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है। 7 दशक के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की अगर नौबत है तो ये मुल्क आज तेरी गरीबी पर हमें रोना भी आ रहा है। तो देखिए, मैं आज खास खबरों के लिए बनी खबर में तब तक नमस्कार।